15 लाख देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। और लोगों का जब वोट ले लिया तो अपनी विचारधारा के लिए काम किया है और ईमानदारी से काम। उन्हें मंदिर बनवाना था और वही बनवाना था और देखिए बनवा दिया। अगर एक अकेला सब पर भारी था, उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस था कि वो अकेले लड़कर जीत लेंगे, गठबंधन तोड़ने की जरूरत क्या थी। वो कह देते दिल से कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, हम अकेले बिहार में लड़ेंगे और किसी को हमें अपने साथ लेने की जरूरत। और वो भी ऐसे लोगों को जिन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, जहर खा लेंगे, अब उनके साथ नहीं जाएंगे। पाखंड और अंधविश्वास में अब इस देश को पूरी तरह डुबोया जा चुका। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जब इस देश में इस बात का फैसला होना है कि आने वाले वक्त में ये देश संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा। ऐसे मोड़ पर इस देश में आज बिल्कुल लड़ाई सामने आर पार की है। अब वक्त इस बात का नहीं है कि यहां खड़े होकर या दिल्ली के ऐसे वातानुकूलित सेमिनार भवन में, इस सभागार में हम लोग इसलिए इकट्ठा नहीं हुए हैं यह समझाने और बताने कि आज इस देश में क्या समस्या है, कितनी मुश्किल है और देश के सामने खतरा क्या है। अगर इतने समय के बाद भी इस देश के बहुसंख्यक लोगों को अगर यह पता नहीं है कि उनके सामने खतरा क्या है, तो इसका मतलब वो खतरे से लड़ने के लिए अब तैयार नहीं हो पाएंगे। यानी अब वक्त इस बात का नहीं है कि इस मंच पर खड़ा होकर के ये गिनवाया जाए कि संविधान खतरे में कैसे है, संविधान कैसे भीतर से खोखला किया जा रहा है। इसलिए अब वक्त आमने सामने की लड़ाई का, और जो लोग भी इस आमने सामने की लड़ाई में, सीधी लड़ाई में रीढ़ के बिना खड़े हैं, ऐसे थोड़े और लोग भी पलटी मार के दूसरी तरफ चले जाएं, तब भी आश्चर्य न करिएगा, क्योंकि ये सही समय है। जिस जिस को पलटी मार के उधर जाना है वो चला जाए। थोड़े से ईमानदार लोग अगर एक जगह बैठेंगे तो वही संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये इम्तिहान की घड़ी, इम्तिहान की घड़ी हमारे लिए भी है और इस देश की जनता के लिए। क्या अब इस देश में हमें यह बताने की जरूरत है कि आज इस देश को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की जरूरत है, या इस देश में धार्मिक मसलों पर बहस करने की जरूरत। धर्म के व्यक्ति राजनीति कर रहे हैं और जिन्हें राजनीति करनी चाहिए वो धार्मिक काम कर रहे हैं। अगर देश के लोगों को लगता है कि अब इसके बाद भी लोकतंत्र सुरक्षित है, संविधान सुरक्षित है, तो हम जैसे लोगों का भाषण करने का कोई मतलब नहीं। दिल्ली के इस सभागार में खड़े होकर हमने सैकड़ों बार एक ही बातें दोहराई, सैकड़ों कार्यक्रम ऐसे वी द पीपल, पैगाम या देश के संविधान बचाने वाले संगठनों ने किया। और आज इस बात को मैं कहना चाहता हूं, हम जिस फूले अम्बेडकर, पेरियार, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा को याद करते हैं, पसमांदा आंदोलन को याद करते हैं, अपनी विरासत को याद करते हैं, तो हम एक बार साफ कहते हैं कि वो लोग अपने मुश्किल वक्त में ऐसी लड़ाई लड़ गए कि हम उन्हें याद कर ले रहे हैं। और अगर आज ऐसे वक्त में हम अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ पाए तो आने वाली पीढ़ियां हमें जरूर याद करेंगी, लेकिन इस रूप में याद करेंगी कि तुम्हारे सामने जब लड़ने का वक्त आया तो तुम पलटी मार रहे थे और इस बात का इंतजार कर रहे थे कि नेताओं के भरोसे लड़ी जाएगी लड़ाई, नेताओं के भरोसे लड़ी जाएगी निश्चित रूप से। कल्पना करिए कि अगर एकजुटता का एक माहौल बनता तो एक राज्यसभा में एक नेता खड़ा होकर बोलता है कि एक अकेला सब पर भारी, अब की बार 400 पार अकेला नेता सब पर भारी है, उसे सीखने की जरूरत है। हमारे लोगों को मौका मिला तो उन्होंने विचारधारा को थोड़ा पीछे करके बाकी सबको खुश करने का काम किया।
उन्हें जब मौका मिला तो उन्होंने भले सामने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, 15 लाख देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, और लोगों का जब वोट ले लिया तो अपनी विचारधारा के लिए काम किया है और ईमानदारी से काम किया। उन्हें मंदिर बनवाना था और वही बनवाना था और देखिए बनवा दिया। सीख सकते हैं तो ये बात सीखें, ये बात हमारे नेता भी सीखें, कार्यकर्ता भी सीखें। उनके लोग उनके साथ खड़े हैं जब वो किसी दलित को या किसी महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाते हैं, मध्य प्रदेश में किसी ओबीसी यादव को ले जाकर के मुख्यमंत्री बना देते हैं और मुख्यमंत्री को उठा करके मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं। यानी वो अपनी विचारधारा को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं वो अपनी बात कहेंगे, हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते, 14 साल पढ़ाया और ऐसे ही सामाजिक न्याय और संविधान की बात करने के चलते उस नौकरी से निकाल कर बाहर कर दिया गया। तो जब हम हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना शुरू किए थे तो हमें पता था कि इसका अंजाम जो होगा, लेकिन इसका अंजाम जानते हुए भी हमने अगर कोई जोखिम उठाया तो यह सोच कर जोखिम उठाया था कि मंडल कमीशन में भारत का संविधान न होता तो हमारे हाथ में कलम और किताब ही नहीं होती, तो प्रोफेसर की नौकरी कैसे होती। बहुत सारे प्रोफेसर लोग वहां बैठे हुए हैं, देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, और सब लोग अगर अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे तो फिर कौन संविधान को छेड़ सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि इतने मुश्किल वक्त में आज कौन सा खतरा सामने नहीं है। रोज ईवीएम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हमारे साथी लोग, ईवीएम उनके हाथ में है, मीडिया उनके हाथ में है, सोशल मीडिया को वो कंट्रोल कर रहे हैं, उनके पास 1000 संगठन है जो गांव तक पहुंच रहे हैं, हर मोहल्ले में भागवत कथा हो रही है जिसका अंत इस बात से होता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और राम भक्त इससे आहत नहीं होते। वो कभी नहीं कहने जाते कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है। उनके धर्म के मानने वाले लोगों ने कहा कि ये राजनीति हो रही है, लेकिन फिर भी उनको कॉन्फिडेंस है कि चुनाव वही जीते। लेकिन एक बात बताइए, अगर एक अकेला सब पर भारी था, उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस था कि वो अकेले लड़कर जीत लेंगे, तो गठबंधन तोड़ने की जरूरत क्या थी। वो कह देते दिल्ली से कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, हम अकेले बिहार में लड़ेंगे और किसी को हमें अपने साथ लेने की जरूरत, और वो भी ऐसे लोगों को जिन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, जहर खा लेंगे, अब उनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन सत्ता के पास इतनी चीजें होती हैं जिससे वो आपको डरा ले, छुपा ले और अपने में मिला ले। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ भी उनके थोड़े से लोगों को खड़ा कर दिया गया, लेकिन उन लोगों का नाम कोई नहीं जानता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज भी संविधान बचाने की लड़ाई में। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के ऊपर पत्थर फेंकने वाले, कचरे फेंकने वालों का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उसे झेलते लड़ते वाले आज भी हमारे दोनों के नायक बने। तो इस बात को याद रखिएगा कि आज भी इस देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ईडी और सीबीआई के सामने झुके नहीं, अपने चट्टान की तरफ खड़े हैं कि हम कुछ भी हो जाएगा इनकी तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों को न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाने का दौर। और मैं गुजारिश करके जा रहा हूं क्योंकि बाकी लोग भी अपनी बात कहेंगे, गुजारिश इस बात की, आज अगर हम यहां खड़े होकर के वही बातें दोहराएं, विश्वविद्यालय में आरक्षण खत्म किया जा रहा है, कैसे 13-point रोस्टर आया, सबने मिलकर लड़ाई लड़ी, वापस हो गया, और अभी जब ही 22 जनवरी के बाद यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि टी रिजर्वेशन करेंगे, जितनी सीटें एससी एसटी ओबीसी के प्रोफेसर बनने की बचेंगी उनको अनरिजर्व बना देंगे ताकि उन पर सवर्ण प्रोफेसर नियुक्ति करें, और वो भी तब जब इस देश में 4% ओबीसी और अपने अनुपात से आधे से भी कम दलित और पिछड़े लोग प्रोफेसर बने। तो उनका एजेंडा क्लियर, अब इस देश के लोगों का एजेंडा क्लियर होना चाहिए। अगर उन्हें मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट देना है तो फिर इस देश में आप क्या लड़ाई लड़ेंगे और कैसे बचाएंगे।
अगर स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के नाम पर वोट देना होगा तब शायद हम थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ करके कुछ बचाने की कोशिश करेंगे। और मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ एक बार वहां पर 11 भागवत कथाएं एक साथ हो रही और हर जगह धर्म का माहौल बनाया हुआ और वहां पर उनके एजेंडे में वो काम पर लग गए हैं और हमारे लोग अभी गांव गांव तक नहीं पहुंच पाए हैं कि अच्छा बचाना है तो कैसे बचाना। हमारे लोग कहते हैं कि इस पार्टी ने ये गलत किया हमारे साथ, उस पार्टी ने हमारे बहुजन आंदोलन को नुकसान पहुंचाया, इस नेता ने ये नुकसान पहुंचाया, उसने ये नुकसान पहुंचाया और सब मिल करके किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। वरना 85% कहने वाले लोग आज कहां सरकार में। और अगर इसको हम नहीं समझ पाए तो आप किस चीज की लड़ाई और किसके दम पर लड़ेंगे, मैं यही सवाल करना चाहता हूं। पाखंड और अंधविश्वास में अब इस देश को पूरी तरह डुबोया जा चुका है। ऐसे तर्क करने वाले लोग अब इस देश में या तो जेल में हैं या अब बोलना बंद कर चुके हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं जो इस तरह की बातों को समझ और बोल पा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे गांव के लोगों को पता ही नहीं कि आरक्षण कैसे छीना गया, उनको पता ही नहीं कि इस देश में दलितों पिछड़ों आदिवासियों के साथ अन्याय क्या हुआ, उन्हें चिंता ही नहीं कि उनके विश्वविद्यालयों में कितने प्रोफेसर बने बैठे हैं और प्रोफेसरों को कैसे निकाला जा रहा है। हमें नौकरी से निकाल दिया गया, डॉक्टर रितु वहां आंदोलन कर रही है उनको साजिश करके निकाल दिया गया, प्रोफेसर रतन लाल बैठे हुए हैं आज तक इनका प्रमोशन नहीं हुआ, हमारे यहाँ जितने लड़ने वाले लोग हैं उनको नौकरी से निकाला जा रहा है और हम बचा नहीं पाए। तो सवाल दो चार लोगों की नौकरी बचाने का नहीं है, हम भी जब लड़ रहे थे तो हमें पता था कि हमारी नौकरी चली जाएगी, मगर हमें इस बात का एहसास था कि हमारी नौकरी रहे या जाए, हमारा करियर बर्बाद हो या बच जाए, इससे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि इस देश का संविधान बचेगा या नहीं और उसके लिए हमें लड़ाई। तो अगर 24 के बाद इस देश में संविधान नहीं बचा तो जितने लोगों को लगता है कि मेरे पालर तक अभी आंच नहीं आ रही है, मेरी नौकरी सुरक्षित है, हमारा घर सुरक्षित है, तो हम बार बार एक बात कहते हैं, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आप। और अगर अब बिल्कुल समय नहीं बचा, मैं केवल एक आवाहन करके आपसे विदा लेना चाहूंगा, एक ही सूत्र है, लोग यह भी समझा रहे हैं कि ईवीएम हैक हो रही है, कोई जन आंदोलन खड़ा हो पाया क्या, लोग यह भी समझा रहे हैं कि विश्वविद्यालयों को पूरी तरह प्राइवेट हाथों में बेच दिया, लोग स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाने आ रहे हैं क्या, जिले इलाही अभी कल भाषण दे रहे थे विद्यार्थियों को परीक्षा पर चर्चा, वह आदमी भाषण दे रहा जिसका खुद का डिग्री संदिग्ध है, अभी तक क्लियर नहीं है कि कितना पढ़े हैं, चौथी पास है या बीए एमए किए हैं, डायरेक्ट पॉलिटिकल साइंस किए हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वहां बैठकर वो लोगों का भविष्य बनाने की बात करते हैं कि तुम्हारा कंपटीशन तुमसे है, विद्यार्थियों तुम इस देश का भविष्य हो, तुम्हें हम चर्चा करके बता रहे हैं कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, और वही जिले इलाही इस देश में शिक्षा को पूरी तरह प्राइवेट हाथों में बेच चुके हैं, वो विद्यार्थियों को नहीं बताएंगे, हमें बताना होगा ना, वो तो सरकार में है। इसलिए स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाने की लड़ाई हम नहीं लड़ पाए, अगर संविधान को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ पाए, जाते जाते केवल एक बात, बिहार से एक आवाज निकली थी, वह आवाज पूरे धर्म की राजनीति के सामने चुनौती थी और वह आवाज थी जाति जनगणना, एकमात्र मुद्दा था जो धर्म के मुद्दे पर हावी था। और आज भी मैं एक पैगाम आपके इस पैगाम के मंच से देना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, एक मुद्दा अगर हम बना ले, उसके साथ ईवीएम जोड़ लीजिए, उसके साथ स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जोड़ लीजिए, वो है जाति जनगणना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इसके लिए जरूरत केवल इतनी है, दलित को दलित से लड़ा रहे हैं, ओबीसी को ओबीसी से लड़ा रहे हैं, अभी मैं बैठा था तो हमारे पास एक सज्जन आया और कहे कि बहुजन नेताओं को एक करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। अरे इतना बड़ा खतरा सामने आने के बाद जो नेता एक नहीं हो रहे हैं, अब उनको हालात पर छोड़ दीजिए, उनका फैसला जनता करे कि अगर एक नहीं हो रहे तो वो किसका फायदा कर रहे हैं, इस पर मैं और कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर इतनी मुश्किल में जो पार्टी सबसे मजबूत है, जिसके पास ईवीएम है, पैसा है, मीडिया है, सब कुछ है, आरएसएस है,
वो फिर भी ऐसे लोगों को अपने सरकार और अपने गठबंधन में ले रही है जो उनके खिलाफ दिन रात गाली देते थे। और हम लोग केवल ये देख रहे हैं कि ये प्योर अंबेडकराइट नहीं है, इन्होंने आज से 20 साल 15 साल 10 साल पहले गलती की थी, इन्होंने बहुजन आंदोलन को नुकसान पहुंचाया। हम प्योर लोग एक जगह होंगे तो प्योर लोग अगर बिखरे रहेंगे तो फिर किसका साथ देंगे। इसलिए केवल एक गुजारिश, 10 बातें अगर हैं, 10 में 6 जगह हमारा झगड़ा हो सकता है, अगर 4 जगह हम एकजुट हैं तो आइए 4 मुद्दों पर एक जगह खड़े हो जाए, अगर बचेंगे तो बाकी 6 मुद्दे बैठकर सुलझा लेंगे। अगर बचेंगे ही नहीं ये प्योर होने में कि 10 में 10 गुण मिल जाए तब हम एकजुट होंगे, तो फिर मुबारक हो आपके लिए 2024 का भारत इंतजार कर रहा है। मगर फिर ये न कहिएगा कि आपको कोई समझाया नहीं, ये बात हमें और आपको भी समझनी है। और अपनी जात बिरादरी से जिनको कहा गया कि वो नीची जाति कर है, ये तो उनकी भाषा है ना, हमें उनके साथ गले में बाहें डाल करके अगर एकजुटता का संदेश समाज में दे तो मुझे अभी भी एक यकीन बचा हुआ है, समाज एकजुट हो जाएगा तो वो दबाव नेताओं पर भी डालेगा कि आपको भी एकजुट हो जाना चाहिए। और नहीं एकजुट होते हैं तो इम्तिहान आपका है। मैं केवल एक गुजारिश करना चाहता हूं, जो इस देश में संविधान विरोधियों को सत्ता से उतारे उसके साथ खड़े हो जाइएगा, अगर संविधान बचेगा तो बाकी लड़ाई भी लड़ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।